हेलो एवरीवन, वेलकम टू मशीन मेट। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैनेट साइकिल में रिटर्न प्लेन क्या होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। उस पर डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, उस पर डिटेल्स चर्चा करेंगे, प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम किसी भी कैनेट साइकिल को प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो ड्रिलिंग हो, बोरिंग हो, टैपिंग हो, सारी चीज़ें हो, सब में रिटर्न प्लेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक लाइव एग्जाम्पल से। फिर इसके बाद मैंने एक डेमो बनाया है, आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा, छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो है। उसमें मैंने प्रैक्टिकली समझाया है कि कैसे दोनों में G98 और G99 का जो यूज है वो क्लियरली करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, रिटर्न प्लेन। देखिए दोस्तों, इसमें G98 और G99 यूज करते हैं। ये दो कोड होते हैं हमारे रिटर्न प्लेन में। अब दोनों का यूज कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि जब आप किसी भी कैनेट साइकिल को प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, जब मान लो आपके पास कोई एक ऐसी प्लेट है, मैं भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा प्लेट का, उसमें आपको एकदम बाइकिश जो है सब क्लियर हो जाएगा। और इस प्लेट में कोई होल है, चलो यहाँ पे होल है, यहाँ पे होल है, कहीं भी होल है। जब आप यहाँ पे मान लो एक क्लैंप है और यहाँ पे एक क्लैंप है और इधर पीछे से एक क्लैंप दे दो, आप मान लो यहाँ से एक क्लैंप है, यहाँ से, चलिए ठीक है यहाँ पे। अब जब आप किसी टूल को बुलाते हो तो जो आपका ये सरफेस होता है, अगर सरफेस से आप 20 mm या 30 mm, चलिए मैं आपको एक साइकिल ही लिख देता हूँ। जैसे अगर मान लो कोई ये जैसे मैं लिख रहा हूँ G98 G73 Z-10.0 R1.0, फिर यहाँ पे मैं कुछ दे देता हूँ, चलो 160 दे देता हूँ। ये जो हमारा एक कैनेट साइकिल है G73 का, यहाँ पे अब यहाँ पे हम G99 और G98 यूज करते हैं। इसको इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा रिटर्न प्लेन होगा, ये होल फिनिश होने के बाद सब सारी जो कैनेट साइकिल है वो यहाँ पे जब कोई होल हो रहा होता है, ड्रिलिंग, बोरिंग, टैपिंग, रीमिंग जो भी हो रहा होता है, वो फिनिश होने के बाद सीधा ये ऊपर जेड में आते हैं। यहाँ पे जेड में कहाँ तक जाएंगी वो डिफाइन करता है G98 और G99। अब जैसे मान लो, जब ये एक साइकिल मैंने लिखा, इसके पहले एक पूरा प्रोग्राम भी लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा वीडियो है वो आप देख लो, जिसमें आपको ये एक जो मूवमेंट होता है G98 का और जो G99 का वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको एक प्रोग्राम लिखता हूँ, उसमें आपको पूरे डिटेल्स में समझाते हैं। तो चलिए आते हैं वीडियो पे और वीडियो को देखते हैं। Thank you.
दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आपको क्लियर मैंने दिखाया है इस वीडियो में कि एक जो जब G98 यूज करते हैं तो जो होल जो हमारा टूल का रिट्रैक्शन है वो पूरा लास्ट जेड एक्सिस तक आता है। लास्ट जेड मतलब जो लास्ट टाइम के नट साइकिल स्टार्ट होने से पहले जो प्रोग्राम किए रहते हैं वहाँ तक आता है। और जब हम G99 यूज करते हैं तो हमारा जो उसका आर प्लेन होता है वो वहाँ तक आता है। चलिए अब एक प्रोग्राम बनाते हैं और मान लो एक ऐसा कोई प्लेट हो गया और यहाँ पे चलिए दो होल हो गए, चार होल हो गए और ये मान लो 50 mm है और ये भी 50 mm है, इसको 40 mm कर देते हैं बराबर। और इसका जो ओरिजिन है वो सेंटर में कर देते हैं, पार्ट का ओरिजिन ये इसका सेंटर जो है वो। और इधर मान लो मेरे को 6.8 का ड्रिल करना है। अब इसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे और इसकी हाइट दे देते हैं प्लेट की, मान लो ये कुछ भी 20 mm, यहाँ से 20 mm थिकनेस है, यहाँ पे होल आ गए, थ्रू आउट होल है। चलिए और ये पूरा मान लो मैं 150 दे देता हूँ यहाँ से, ऐसा कोई एक प्लेट है। अब चलिए इसको इस प्लेट का हमको प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम G98 और G99 दोनों यूज करेंगे। उसके पहले कैनेट साइकिल में सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मैं आपको, सारे जो करेक्टर होते हैं वो मैं आपको डिटेल्स कर दूँ। तो चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे G81। अगर आपको यूज करना नहीं आता है तो मैं अब ये G99 और G98 ख़त्म करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सब सारे ड्रिलिंग साइकिल के ऊपर और बोरिंग टाइपिंग इन सारे साइकिल के ऊपर ही आने वाले हैं, क्योंकि उन सबको अगर मैं पहले पढ़ा देता तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती और ये समझने के लिए आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप प्रोग्राम करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है G99 और G98। तो चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं इस प्लेट का। सबसे पहले हम लिखेंगे ओ और यहाँ से मान लो मैं कोई ऐसा कोई प्रोग्राम लिख दिया 4 digit का, ऐसा जैसा मैं हमेशा लिखता हूँ। आप फानुक में कर रहे हो तो आपको वो लिखना है, उसके बाद 4 digit का नंबर लिखना है। यहाँ से हम एक सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस नंबर डालेंगे और फिर डालेंगे G91, यहाँ से G28, सॉरी ये बहुत छोटा हो रहा है, G28, Z0.0, G28, Y0.0, X0.0, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं कहीं भी। इसके बाद हम डालेंगे टूल नंबर 1 M06। अब आते हैं सीधा अपने जैसा हम रेगुलर प्रोग्राम लिखते हैं, सेफ्टी लाइन पे G0, G90, G40, G80, G17, G21। ये हमारी बेसिक जो सेफ्टी लाइन है वो हो गई, टूल नंबर 1 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब G0, G54, अब यहाँ से ये एक्स की वैल्यू डालनी है हमको। मान लो ये होल में हम पहले बुलाते हैं P1, P2 और P3, P4, ये 4 point है हमारे एक समझने के लिए। बाकी आप P1, P2, P3, P4 ना रखो तो भी चलेगा। फर्स्ट होल में आते हैं यहाँ पे, तो ये 50 है, तो ये हमारा कितना होगा सेंटर से 25 होगा और ये सेंटर से कितना होगा हमारा 20 होगा। कैसे? यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ से लिखेंगे हम एक्स, ये हमारा एक्स है और ये वाई है बराबर। अब यहाँ से हम लिखेंगे एक्स माइनस 25.0 वाई, ये 16 में लाना है तो माइनस आएगा, अब माइनस यहाँ से 20.0, यहाँ से डालेंगे RPM M03 स्पिंडल 1500 और यहाँ पे हम अभी स्पिंडल पे प्रोग्राम कर दिए। अब यहाँ पे डालेंगे G43 H1 Z10.0। देखिए दोस्तों जब आप
ड्रिलिंग साइकिल से पहले जो ये एचएल लिखते हैं वो रीड करता है G98, और उसके अंदर एक आर वैल्यू आती है, अभी मैं वो लिख रहा हूँ। अब यहाँ से हम डालेंगे कैनट साइकिल। अब जैसे मान लो मैं G81 में साइकिल बना रहा हूँ, ड्रिलिंग कर रहा हूँ, G81 G98 यहाँ से लिख दिया, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, G98 और G81 Z-25.0 R1.0 फीड 35 का 0 बराबर। तो ये एक हमारी कैनट साइकिल है G81 का ड्रिलिंग साइकिल। अब G98 और ये R, ये दो चीज़ें हमारे समझने वाली हैं। अगर आप G98 यूज कर रहे हो तो आपका जो वैल्यू रीड होगा वो ये वैल्यू रीड होगा, ये वाली, इसको बोलते हैं रिटर्न टू इनिशियल प्लेन। और अगर आप G99 यहाँ पे यूज कर रहे हो तो जो हमारा ड्रिलिंग करने के बाद जब टूल रिट्रैक्ट होगा वो वैल्यू रीड करेगा ये वाली वैल्यू G99, ये रीड करेगा R1 वाली वैल्यू, क्योंकि ये रिट्रैक्ट होता है R प्लेन तक। R प्लेन यानी हमारा जो रिटर्न प्लेन होता है, जो ये हमारी प्लेट है, जो इसका सरफेस है जहाँ पे हम ZD रहते हैं, उस प्लेन पे कितने ऊपर से हमको काम करना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं R1। तो जब G99 यूज करेंगे हम तो ये R1 तक रिटर्न करेगा टूल, फिर उसके बाद दूसरे होल में शिफ्ट कर जाएगा और वहाँ पे ड्रिलिंग करना शुरू कर देगा। तो ये सिंपल सा फंडा है, और इस साइकिल को हम फिनिश करते हैं। इसमें G99 यूज किया है और G98 यूज किया है। G99 अगर चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, बट देखिए दोस्तों, अगर आप G99 यूज कर रहे हो तो आपका जो ऊपर का टॉप है जहाँ पे आप ड्रिलिंग कर रहे हो, यानी कोई भी सरफेस हो, तो वहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप टूल को मूवमेंट करा रहे हैं, मूवमेंट होगा जब, तो उसके अगल बगल में कहीं भी जो क्लैम्प्स होते हैं वो नहीं आने चाहिए, अदरवाइज जो टूल है वो एक्सीडेंट से टूट सकता है। तो इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पे मान लो ये डाल लिया पहले पोजीशन में, अब यहाँ से दूसरा पोजीशन जाएंगे तो यहाँ से हमको इस पोजीशन में आ गए हैं X-25Y-20, और ये होल हो गया H1, और Z यहाँ से 10.0, ये सब आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से इस होल में आ जाते हैं P2 में, तो यहाँ पे सिर्फ हमको डालना है Y-20.0, फिर यहाँ से डाल देना है X, ये वैल्यू डाल देनी है 25.0, Y-20.0, बस ये हो गया। अब इसके बाद डाल देना है G80 क्यों डालते हैं, क्योंकि कैनट साइकिल हमको कैंसिल करना होता है। अब यहाँ से डालेंगे G91, G28, M05, M09, ये आ गया M30। यहाँ से आप चाहे तो कूलेंट का कोड डाल सकते हैं यहाँ पे M08, जब भी चालू करना चाहे। तो ये एक हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है G99 और G98 का यूज करके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।